मोदी सरकार की पिछले 10 साल की मेहनत अब सफल होते दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही मेड इन इंडिया को काफी बढ़ावा दिया था। देश में कई सारे रिफॉर्म्स किए, पीएलआई स्कीम को लॉन्च करके कई सारी कंपनीज को इंसेंटिव दिए। इन सब की बदौलत हजारों कंपनीज आज भारत में आकर अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही हैं। वैसे तो भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्लांट्स खोले, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही इंटरेस्टेड थे, और वह ग्लोबल एरोस्पेस सेक्टर यानी कि प्लेन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पिछले कुछ सालों से भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ा है। अब ज्यादा लोग बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट्स की संख्या भारत में 74 से बढ़कर डबल होकर 148 तक हो गई है, और अभी भी 40 से 50 एयरपोर्ट्स के ऊपर भारत में काम चल रहा है। इस समय भी भारत की एविएशन मार्केट दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, और आने वाले समय में बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। बस यही कारण है कि भारत की अलग अलग कमर्शियल एयरलाइंस 2-4 या फिर 10-20 नहीं बल्कि हजारों प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस कर रही हैं। पिछले 2-3 साल में भारत की एयरलाइंस ने अलग अलग कंपनीज को 1500 से ज्यादा प्लेन्स के ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर लिए हैं। अब दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो कमर्शियल एयरलाइंस प्लेन ऑपरेट करती हैं, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। 1500 प्लेन्स की कीमत 200 से 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास बनती है, और भारत में तो इस समय कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं ही नहीं। प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसके चलते बड़े ही कम देशों में प्लेन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 200 बिलियन डॉलर्स वाकई में बड़ी रकम होती है। आगे भी भारत की एयरलाइंस बढ़ती डिमांड के साथ और भी प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस करेंगी। इसका मतलब है कि ना सिर्फ इस बार ये 200-250 बिलियन डॉलर्स देश के बाहर यूएस, यूके या फिर यूरोप जा रहे हैं, बल्कि आगे भी इसी तरह से ये पैसा फॉरेन जाता रहेगा, और वहां से फिनिश्ड प्लेन्स फिर भारत को मिलेंगे। इसी के चलते मोदी सरकार ने पॉलिसीज में फेरबदलाव करके उनको आसान बनाया, और प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कहा कि वो भारत में अपने स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करें, अपने कंपोनेंट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करें, या फिर भारत की छोटी छोटी कंपनीज को अपने स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन का हिस्सा बना लें। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही बोइंग और एयरबस कंपनी के सीईओस के साथ मीटिंग की, और खुशी की बात यह है कि प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस ने मोदी सरकार की ये बात मान ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस कंपनी ने अपने प्लेन्स के डोर यानी कि दरवाजे का ऑर्डर भारत की कंपनी को देने का फैसला किया है। दरअसल एक प्लेन में हजारों नहीं बल्कि लाखों कंपोनेंट्स होते हैं, और अब उन सबको एक कंपनी तो बना नहीं सकती है। टायर्स अलग कंपनी बनाती है, विंडोज अलग और डोर्स को अलग तरह की कंपनी बनाती है, और इस तरह से लाखों कंपोनेंट्स को, आइटम्स और स्पेयर पार्ट्स को अलग अलग कंपनी से परचेज किया जाता है, और फिर उनको एक साथ असेंबली लाइन में लाकर असेंबल करके फाइनल प्लेन बनाया जाता है। अब भारत की बैंगलोर बेस्ड एक डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम की कंपनी थी, जिसके पास प्लेन्स के लिए डोर्स बनाने की एक्सपर्टीज थी, लेकिन अभी तक उनके साथ कोई बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डील ही नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो कमी भी पूरी हो गई है, और एयरबस कंपनी ने भारत की डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को अपने प्लेन्स के कुछ वेरियंट के डोर्स के ऑर्डर्स दे दिए हैं। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा मोटा काम है, लेकिन नहीं। एक कमर्शियल एयरलाइंस की पैसेंजर प्लेन्स में 8 तरह के अलग अलग डोर्स होते हैं। कार्गो डोर्स, पैसेंजर डोर्स, सर्विस डोर्स, इमरजेंसी डोर्स। एयरबस कंपनी ये सारे डोर्स भारत की डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से ही प्रोक्योर करेगी, और फिर यहाँ से ले जाकर यूरोप की असेंबली लाइंस में उनको फिट किया जाएगा। एयरबस कंपनी का कहना है कि अब वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हुए भारत की और कौन कौन सी कंपनी से कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज कर सकते हैं और भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो भारत की कंपनीज ग्लोबल एविएशन मार्केट और ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन के लिए काफी नई है। सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मैच करते करते उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई होप कि चाइना की तरह भारत में भी कोई स्वदेशी इंडियन कंपनी इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए स्वदेशी कमर्शियल प्लेन्स को मैन्युफैक्चर करे। बेशक 20-25 साल ही क्यों ना लग जाए, लेकिन भारत में भी बोइंग या फिर एयरबस जैसी कोई कंपनी खड़ी हो जाए।